अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह सलातु सलाम अला रसूलल्लाह मर्द किसी भाई ने पूछा है लोगों में इज्जत हासिल करने के लिए कोई वजीफ़ा बताएं। देखिए हदीस में वाज़े तौर पर लोगों में इज्जत हासिल करने का नुस्खा मौजूद है और वो ये है कि अल्लाह ताला के हुक्मों की पाबंदी की जाए और अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा किया जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करने लग जाता है, यानी बंदा अल्लाह के इतना करीब हो जाए कि अल्लाह बंदे से मोहब्बत करने लगे, तो वो अहले आसमान में अल्लाह ताला मुनादी कराते हैं कि इन अल्लाह युहिब्बु फलान फाहिब्बु, अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत करते हैं, तुम भी यानी उस बंदे से मोहब्बत करो। तो अहले आसमान जो हैं वो उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। तो फिर आपने फरमाया कि जब अहले आसमान उससे मोहब्बत करते हैं और ये आवाज़ दे दी जाती है कि अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो, अहले आसमान मोहब्बत करने लग जाते हैं, फ़ायूज़ लहुल कबूल फिल अर्ज़, अहले ज़मीन के दिलों में उसकी मकबूलियत रख दी जाती है। तो सही सच्ची मोहब्बत लोगों के दिल में और सही मुकाम लोगों के दिल में हासिल करने का यही एक नुस्खा है। बाकी जितनी मोहब्बतें हैं वो किसी न किसी और लालच या किसी न किसी ओहदा बिरादरी फलां फलां चीज़ें उनकी वजह से होती है। जो सही मोहब्बत है वो यही है और उसका यही तरीका है।